भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 नवंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा और यहां पे भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है और एक नए खिलाड़ी यहां पे डेब्यू करने जा रहे हैं, वो है मयंक अग्रवाल। तो सबसे पहले आइए बता देते हैं कि क्या है भारतीय टीम का प्लेइंग 11। विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे हैं, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह। तीसरा टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेला जाएगा उसमें शामिल है। वही लगातार बात हो रही थी दूसरे टेस्ट मैच से ही, भारतीय टीम में ओपनिंग जोड़ी को लेकर बदलाव किया जाना चाहिए था और आखिरकार इस टीम में ओपनिंग जोड़ी को बदलाव किया गया है। यहाँ पे केएल राहुल और मुरली विजय बाहर कर दिए गए हैं। दोनों ही का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा था दोनों टेस्ट मैचों में। उसके बाद वही पृथ्वी शॉ चोटी होकर बाहर हो गए थे, इस वजह से मयंक अग्रवाल को यहाँ मौका मिला है। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल ने रणजी ट्रॉफी में पिछले 2 सालों में बहुत से रन बनाए हैं, लेकिन हर बार टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता कोई ना कोई सवाल उठाकर उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं करते थे। हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम में उन्हें मौका मिला था, लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें शामिल नहीं किया गया। लेकिन आखिरकार विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट को मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल करना ही पड़ा। तो भाई अब देखना है यहाँ पे दिलचस्प होगा कि क्या मयंक अग्रवाल टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पे खड़े उतरते हैं और तीसरे टेस्ट मैच में अपने बल्लेबाजी से सबको चकाचौंध कर देते हैं या नहीं। नेक्स्ट हैंड स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।